नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं और इसी सिलसिले में अलग अलग राज्यों का दौरा करते नजर आ रहे हैं। वहां जाकर वहां के जो विपक्ष के रूप में सीएम है या फिर वहां के कोई भी वरिष्ठ नेता है उनसे मुलाकात करते नजर आ रहे हैं और उनकी लगातार कोशिश यही है कि 2024 को लेकर एक मजबूत रणनीति बनाई जाए और 2024 में देश को भाजपा मुक्त बनाया जाए। इन सब के बीच अब जो बीजेपी है वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रही है और एक के बाद एक खूब बयानबाजी इस मसले पर देखने को मिल रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सदस्य हैं सुशील कुमार मोदी, वो लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं और एक के बाद एक उनका ट्वीट सामने आते रहता है। इसी बीच एक बार फिर से सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है। इस बार पोस्टर के जरिए सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट किया है और दो पोस्टर के जरिए ट्वीट करते हुए जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चलिए सबसे पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं कि ट्वीट करते हुए सुशील कुमार मोदी ने क्या कुछ लिखा है। सुशील कुमार मोदी ने दो ट्वीट किया है। पहले में केसीआर और पटनायक की तस्वीर है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर लगी हुई है। लिखा है कि केसीआर के बाद पटनायक का कड़ा संदेश नीतीश कुमार को, कुशवाहा आरसीपी के झटके से जदयू का अस्तित्व संकट में, ओडिशा के विकास पर पूरा फोकस रखने वाले पटनायक ने नीतीश कुमार को बिहार पर ध्यान केंद्रित करने और पीएम बनने का सपना छोड़ देने का जो संदेश दिया वह लाउड एंड क्लियर है। जब एक तरफ जातीय जनगणना, निकाय चुनाव में आरक्षण और आनंद मोहन की रिहाई जैसे मुकदमे हार रही है, दूसरी तरफ बालू शराब माफिया के आगे प्रशासन घुटने टेक रहा है, तब मुख्यमंत्री का बिहार से बाहर लगातार राजनीतिक दौरे पर होना राज्य के हित में नहीं है। पटनायक से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नीतीश कुमार को झटका दे चुके हैं। बता दें कि ये तो पहला पोस्टर था जिसमें सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए तमाम बातें लिखी हैं। वहीं दूसरी पोस्टर भी है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वो तस्वीरें दिखाई गई है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी और कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को शपथ दिलाया था। देखिए इस तस्वीर को शेयर करते हुए सुशील कुमार मोदी ने लिखा है कि तेजस्वी की ताजपोशी करें नीतीश कुमार, पार्टी को राजद में करीब बिलाए। उपेंद्र कुशवाहा के अलग दल बनाने और आरसीपी सिंह के भाजपा में शामिल होने पर जदयू में जिस तरह से टूट और भगदड़ मची है उसे देखते हुए नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से हुई डील के अनुसार पार्टी का राजद में विलय कर तेजस्वी को जल्द ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जदयू का अस्तित्व मिटने वाला है और पार्टी के दर्जनों लोग भाजपा में आने की कतार में हैं, तब ललन सिंह को अपना घर बचाने की चिंता करनी चाहिए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार से कोई राजनीतिक बात नहीं की और भोज में ललन सिंह को भी शामिल नहीं किया। नवीन पटनायक दूसरे ही दिन दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात कर विपक्षी एकता को पंच कर दिया। तो देखिए साफ तौर पे जो सुशील कुमार मोदी हैं उन्होंने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। पहले में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर नीतीश कुमार दर बदर भटक रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और वो भी इस समय में उनकी ये जो मकसद है, उनकी जो ये मनोकामना है वो पूरी नहीं होगी। वहीं दूसरे ट्वीट में उन्होंने तेजस्वी यादव की और नीतीश कुमार की तस्वीर शेयर की है और कहा है कि अब जरूरत है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर दें और अपनी पार्टी का विलय राजद में कर ले। तो इस तरीके से सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करते हुए जबरदस्त तरीके से बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।